आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल। एक बार हाथ से मिलाएंगे। अब इसमें देखते हुए हम पानी डालेंगे। लगभग 1 कप पानी लगेगा। आटे को गूंदने के बाद 1/2 टेबलस्पून तेल फिर से डालकर 2 मिनट के लिए गूंदेंगे, या फिर जब तक हाथ का जो तेल लगा हुआ है वो सूख ना जाए तब तक। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख लेंगे। अब स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 2 कप उबालकर मैश किए हुए आलू। मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक डालकर 2 सीटी बड़े आँच पर आलू को गलाकर रख लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी सिर्फ कलर के लिए चाहिए। 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता। अगर ज़्यादा स्पाइसीनेस चाहते हैं तो 1 हरी मिर्च डाल सकते हैं बारीक कट करके। इसको मिलाकर साइड में रख लेंगे अभी। अब हम पराठे के लिए थोड़ा सा सूखा आटा डालकर रोटी लेंगे, थोड़ा सा डम्पलिंग और रोटी बेलकर। जितना रोटी साइज़ आपने लिया है उतने ही साइज़ में स्टफिंग भी रख लीजिएगा। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे, 1 से 1 चिपके ना, इसीलिए थोड़ा सा ड्राई आटा डालकर सारे रोटी हम बेल कर रख लेंगे। अब पैन जब स्मोकी हॉट हो मीडियम फ्लेम पे रखकर रोटी हम सेक लेंगे। देखिए जब थोड़े से बबल्स आने लगे फ्लिप कर लीजिएगा। 1/2 टेबलस्पून ऑयल हम डालेंगे। 1 रोटी के लिए 1/2 टेबलस्पून काफ़ी होता है। दोनों तरफ थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे और इस तरह से सर्व कर लेंगे। ये रायते के साथ या फिर प्लेन दही के साथ अच्छा रहता है। ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू। बाय।